वक्त कभी कभी बीता हुआ वक्त कुछ ज़्यादा ही अनमोल लगता है। जैसे ये पुराने एल्को लोकोमोटिव्स पहले सभी ट्रेन्स में दिखते थे और आजकल कुछ चुनिंदा ट्रेन्स में ही दिखते हैं। और आज मैं उसी बीते हुए वक्त की कुछ पुरानी कहानियों को फिर से जीने जा रहा हूँ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक गांव में। आज आपको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पे ऐसे कुछ निशानियाँ हैं जिनको देख करके आप ज़रूर से भावुक हो जाएंगे और अपने देश के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा आपके मन में। और आज का सफ़र लुधियाना से फिरोजपुर कैंट की तरफ होने वाला है और ये है हमारी आम पर ख़ास ट्रेन जिसमें ये विलुप्त होते एल्को लोकोमोटिव लगा है। तो अपने तय वक्त से करीब 30 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है। और अगर बात करूं रूट की तो कोई बड़े बड़े स्टेशन तो नहीं आने वाले इस रूट पे, पर हाँ हमारी ट्रेन लुधियाना से मोगा तलवंडी होते हुए फिरोजपुर जंक्शन पहुंचेगी। एल्को में सफ़र करने का मज़ा जो है ना वो बहुत रेयर हो चुका है, तो आज वही सफ़र इन्जॉय करने के लिए हम लोग निकले हैं फिरोजपुर कैंट की तरफ। और ये मेरे ख्याल से नंगल डैम अमृतसर एक्सप्रेस है, इसका अराइवल हो रहा है अभी लुधियाना में और हमारा जो है वो डिपार्चर हो चुका है। एक तरफ आधुनिक वंदे भारत ट्रेन और दूसरी तरफ हमारी ये पुरानी एल्को लोकोमोटिव वाली साधारण सी ट्रेन। और यहाँ से वंदे भारत आगे अंबाला दिल्ली वाली लाइन की तरफ बढ़ चुकी है और हम फिरोजपुर की तरफ जाने वाली लाइन पे बढ़ चुके हैं। चलो रूट तो मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा रूट जो है वो क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से मेजर स्टेशन में हमारी ट्रेन रुकने वाली है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन है तो सारे स्टेशन पे ट्रेन रुकने वाली है, लेकिन हाँ मोगा जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद से थोड़ा बाहर का नज़ारा जो मैं आपको दिखाऊंगा। एल्को में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे आगे एल्को लगा हुआ है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, विंटेज चीज़ होने वाली है आगे जा करके, आपको ये बहुत रेयरली किसी ट्रेन में देखने वाले हैं। तो आज हम पूरा इसको इन्जॉय करने वाले हैं, अच्छे अच्छे शॉट आपको दिखाऊंगा मैं एल्को के, वो आप देखो और मैं आपसे मिलता हूँ मोगा में। फिलहाल तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं। सन 1957 का वो वक्त था जब देश में पहली बार एल्को वाइड गेज लोकोमोटिव्स पहली बार भारत आए थे और पहला इंजन था WDM-1 और उस वक्त ये सबसे आधुनिक और सबसे तेज चलने वाला डीजल लोकोमोटिव था। फिर उसके बाद भारत में WDM-2, WDM-3 और अनेकों वेरियंट्स बनाए गए और अब इनका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो चुका है। हवाएं थोड़ी सी सर्द हैं और हल्की हल्की धूप जो है वो खिली हुई है और ये मौसम ना बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवल करने में। और ऐसे मौसम में अगर ऐसी विंटेज जर्नी अगर हो रही हो तो फिर इसकी बात ही अलग है। मतलब एल्को लोकोमोटिव, ICF कोच और एक अनएक्सप्लोर रूट, मतलब बिल्कुल ऐसा रूट जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते, तो कितना अच्छा लगता है इस रूट में ट्रैवल करने में। दोपहर के 12 बजे का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच रहे हैं मोगा रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट पे ना बड़ा रेलवे स्टेशन है और अराइवल जो है वो हो रहा है हमारा वहाँ पे। आज की यात्रा बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज हम उस जगह पे आपको ले जाने वाले हैं जहाँ से एक ज़माने में ट्रेन पाकिस्तान के पेशावर की तरफ चलती थी। कुछ निशानियाँ हैं जो आज भी वहाँ मौजूद हैं तो उनको देखने के लिए बहुत लालसा है मन में। तो जो पूरी जर्नी है वो अराउंड 120 किलोमीटर की है और यहाँ आते आते हमने करीब 70 किलोमीटर जर्नी जो पूरी कर ली, तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली यहाँ आकर के। उस ज़माने में स्टीम लोकोमोटिव जब चला करते होंगे तब का ये
वाटर टैंक बना होगा जो इतने जंग लगने के बाद भी आज भी खड़े हैं। बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी थी, हमें लगा शायद कोई तो क्रॉसिंग होने वाली होगी और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है EMD इंजन के साथ। एल्को की क्रॉसिंग जो है वो एक EMD लोकोमोटिव के साथ हो रही है। ये भी कोई पैसेंजर ट्रेन है, फिरोजपुर लुधियाना आई गेस। फाइनली पहुंच रहे हैं फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी है लेजेंडरी पंजाब मेल एक्सप्रेस। इसकी बड़ी कहानी है, मतलब मैं आपको सुनाऊंगा अच्छे से। फिलहाल तो आप अराइवल जो है वो देखिए फिरोजपुर कैंट पे। और अगर मैं बात करूँ ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अगर मैं बात करूँ इस पंजाब मेल की तो इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। आपको पता है ये ट्रेन जो है ना, ये पहले तो ये है वो पंजाब मेल जो आज़ादी से पहले बॉम्बे से लाहौर तक जाती थी। वो वक्त था 1905 का जब पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था और इसके साथ एक और ट्रेन 5 साल बाद शुरू हुई थी जो बॉम्बे से पेशावर के बीच चलती थी नॉर्थर्न एक्सप्रेस के नाम से। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है फिरोजपुर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पे अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से जो मेन जर्नी है ना वो शुरू होने वाली है। क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्टेशन पे जहाँ कोई ट्रेन बिल्कुल नहीं आती, कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन आज भी आपको आज़ादी के पहले की जो कुछ यादें हैं ना वो देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम जाने वाले हैं हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन और बहुत कुछ वहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं और बहुत सारी हिस्ट्री की बात आपसे बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से बाय रोड हम सफ़र करने वाले हैं हुसैनी वाले की तरफ और यहाँ पे इस एल्को लोकोमोटिव के साथ अपनी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा और ये भी एक समय के बाद ना एक याद ही बनने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी एल्को लोकोमोटिव जो है वो हमारे इंडियन रेलवे से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बहुत जगह से ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ कहीं थोड़े बहुत कुछ बचे भी हैं ना, वो भी आने वाले कुछ सालों में यानी कि अगले 1 सालों में मेरे ख्याल से पूरी तरह से इंडियन रेलवे के ट्रैक से ख़त्म हो जाएंगे। बाकी चलो चलते हैं हुसैनी वाला और मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो बाय रोड हम निकल पड़े हैं हुसैनी वाले गांव की तरफ जो कि फिरोजपुर स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है और रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। देखो सामने वाली रोड जो है ना, जो अभी लेफ्ट को जा रही है, ये चली जाएगी फजलका की तरफ। हम अभी निकल रहे हैं हुसैनी वाला की तरफ। शाम के 3:38 का वक्त हो रहा है और फाइनली हम निकल चुके हैं हुसैनी वाला बॉर्डर के लिए और सर में मिल गए विकास सर, थैंक यू सो मच, आप हमें गाइड कर रहे हो और ले जा रहे हो हमें वहाँ तक, बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा।
और सर ने काफ़ी कुछ बताया हमें, जा कर के मैं आपको वहाँ बताऊँगा चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पर थी, कैसे होती, सारी हिस्ट्री जो है मैं आपको वहाँ बताने वाला हूँ। और ये है वो नया हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन जहाँ साल भर में बस दो ही ट्रेनें चलती हैं और नॉर्दर्न रेलवे का ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन। हालांकि ये जो स्टेशन है ये वो पुराना स्टेशन नहीं है, ये नया स्टेशन जो है इसको बनाया गया था। और फिलहाल स्टेशन देखो आप, कितना छोटा सा, कितना सुकून भरा स्टेशन है। और इवन यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रिक पोल जो है वो लग चुके हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो रहा है। तो ये देख के काफ़ी मतलब मुझे और लगा कि यहाँ तक रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कर रही है, जहाँ पे साल में सिर्फ दो ही ट्रेनें जो है, दो बार ट्रेन जो है वो चलती है सिर्फ। वो बताऊँगा मैं आपको कब चलती है, लेकिन हाँ सिर्फ दो ही बार साल में ट्रेन चलती है और यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये आप देखो, थोड़ा और जूम करूँ तो ये आपको यहाँ दिखेगा एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि इसके बाद से नॉर्दर्न रेलवे की सेवा जो है वो होती है समाप्त और ये आखिरी पॉइंट है नॉर्दर्न रेलवे का। यूँ आप कहो तो ये आखिरी पॉइंट है हमारे इंडियन रेलवेज़ का, इसके बाद से कुछ दूर बाद जो पाकिस्तान की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। वैसे अगर बात करूँ उस ट्रैक की तो हो सकता है कि इसको बाद में कभी बनाया गया हो, क्योंकि अगर आप उस तरफ देखो, मैं जूम करूँगा आपको तो ये देखो वो मेन ब्रिज हुआ करता था, वहाँ से ब्रिज जो है वो स्टार्ट होता था। तो ऐसे में जो ट्रैक होगा वो भी उस तरफ से गया होगा और वो पूरा वो ब्रिज का स्ट्रक्चर वहाँ से शुरू होता है, तो बहुत पुराना है वो। और वहीं से जो असली ट्रैक था वो जाता था आगे पाकिस्तान की तरफ। और फाइनली सतलज नदी को पार करके हम पहुँच रहे हैं हुसैनी वाला बॉर्डर। ब्रिज आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये सब दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। पुराना जो ब्रिज था ना जहाँ से पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलती थी वो मैं आपको ज़रूर आके दिखाऊंगा। चलो फिलहाल जो है वो पहुँच चुके हैं शहीद स्मारक पे। और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि चलो वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे विजिटिंग आवर्स जो है वो आप देख लो, यहाँ पे पॉज करके ये कुछ टाइमिंग है। यही वो जगह है जहाँ भारत के तीन सपूत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के स्मारक है। और यहाँ इन तीनों के मित्र बटुकेश्वर दत्त और पंजाब माता कही जाने वाली शहीद आजम भगत सिंह की पूजनीय माता जी विद्यावती जी का भी समाधि यहीं पे है। स्ट्रक्चर देखो जो आपने देखा ना स्टार्टिंग में, आपको दिखाया था हुसैनी वाला स्टेशन के पास में जो पुराना, जो नया बनाया गया स्टेशन उसके पास में आपको दिखाया था ये वाला ब्रिज का स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में रहता है, और ये एंड वाला स्ट्रक्चर है ये देखो आप, बिल्कुल उसी ज़माने का। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो गोलियों के निशान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, तोड़ा भी गया था। और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बम बारूद का इस्तेमाल करके इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, इनफैक्ट वो आप निशानी सारी देख सकते हो। 1965 के युद्ध में स्टेशन को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया था और इस गाँव को पाकिस्तान के कब्जा करने वाले नियत को भारतीय जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। तो ये देखो आप, ये सामने से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहीं से ट्रेन जो है वो निकलती थी। हालांकि ट्रैक्स यहाँ पे होते थे पहले, लेकिन वो ट्रैक्स तोड़ दिए गए और इसके अंदर एक ट्रेन जो है वो रखी गई जहाँ पे आपको सारी हिस्ट्री जो है वो अंदर बताई जाती है। और आखिर में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पे शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को आखिरी विदाई दी गई थी। तय दिन के एक दिन पहले ही तीनों वीरों को फांसी दे दी गई थी और उनके शरीर को यहां सतलज नदी के किनारे जलाने की कोशिश की गई थी ताकि किसी को इसको कानों कान खबर न लगे। पर हुसैनी वाले गाँव के लोगों को अंग्रेज़ों के इस मनसूबे का पता चल गया था और फिर तीनों वीरों के शरीर को पूरी विधि के साथ यहाँ अंतिम विदाई दी गई थी। और क्या आपको पता है कि इस पावन धरती को बचाने के लिए भारत ने अपने 12 गांव देकर पाकिस्तान से ये हुसैनी वाला गांव लिया था ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी यहां आ करके इन तीनों वीरों के बलिदान को करीब से महसूस कर सके। तो ये देखो आप, ये है ब्रिज के पिलर्स और ये उस ज़माने में रेल कम रोड ब्रिज हुआ करता था। यहाँ पर मैं आपको एक साइड में पिक्चर जो है वो दिखा दूँगा कि उस ज़माने में ये ब्रिज जो है वो कैसा दिखता था। उस ज़माने में इस ब्रिज को कैसरे हिंद के नाम से लोग जानते थे और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था उस वक्त, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज था। इसके बाद हमारा रुख होता है बॉर्डर की तरफ जहां हमें शहीद आजम भगत सिंह जी की वो पिस्तौल दिखाई दी, जिसे देख करके मैं सोच में पड़ गया कि कितने निडर थे वो, जो कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और आखिर में हम बढ़ते हैं बॉर्डर की तरफ जहाँ से बहुत करीब से हम
भारत पाकिस्तान के जवानों का जो बीटिंग रिट्रीट होता है वो देखते हैं। जहां दोनों ही देशों के झंडे को नीचे उतारा जाता है। यहाँ आने के बाद देशभक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये महसूस होता है कि हमारा देश हमें क्यों प्यारा है। सब कुछ है यहाँ पे और हमें बहुत ज़्यादा गर्व है अपने देश पे। तो चलो फाइनली आप लोगों ने देख लिया हुसैनी वाला और बहुत कुछ हमने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा। और सर तो चले गए थे बट हाँ, दक्ष ने काफ़ी हेल्प की हमारी, बहुत कुछ बताया उन्होंने, तो काफ़ी हेल्प हो गई हमारी। थैंक यू सो मच दक्ष, फिर कभी आएंगे तो फिर घूमने चलेंगे एक बार फिर से। हाँ बता के आओगे। हाँ बिल्कुल। बाकी चलो आप लोग ज़रूर से बताओ कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, मतलब ट्रेन चेंज करके यहाँ पहुँचे अमृतसर से। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है वो आपके सामने लाता रहूँगा मैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है तो बने रहना इस चैनल पे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।